बाढ़ग्रस्त इलाकों में आजकल विभिन्न नेता दौरा करके लोगों से संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। इस दौरान लोगों से बातचीत करके उनकी समस्याओं का पता लगाने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा यमुनानगर जिले के विभिन्न बाढ़ग्रस्त इलाकों में आईं और उन्होंने लोगों से बातचीत की। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बाढ़ आने को लेकर कहा कि अवैध माइनिंग भी इसमें बड़ा कारण है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। हमारी सरकार आई तो इसकी जाँच करवाएंगी। गहरे गड्ढे इलीगल माइनिंग के कारण जो हमारा यहाँ का सारा जो सिस्टम था, सारा इकोसिस्टम सब बिगड़ गया, और उसके कारण वो भी एक कारण है कि जो इस तरह से बाढ़ आ जाती है। सरकार को इन चीज़ों का देखना चाहिए और यहाँ के जो नुमाइंदे सरकारी उनको देखना चाहिए कि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना आए। और इलीगल माइनिंग होती क्यों है सरकार की नाक के नीचे, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारी सरकार आएगी तो हम ज़रूर इस बात को उठाएंगे कि कौन लोग हैं जिन्होंने इतने साल ऐसे काम किए हैं। अलग अलग लोकल चीज़ें हैं, इसको सरकार को देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है जो इन पिछले सालों में इलीगल माइनिंग हुई, मैंने इसीलिए कहा अलग अलग लोकल बातें अलग, लेकिन पूरे एरिया के लिए जो दिक्कत आई है वो इलीगल माइनिंग। वहीं केंद्र से आपदा के लिए मिली 218 करोड़ की राहत राशि पर भी कुमारी शैलजा ने कहा कि ये पर्याप्त नहीं है, अभी तो और नुकसान देखने को मिलेगा। जो मकान जर्जर हुए हैं वो गिर जाएंगे। आज किसान बेहद दिक्कत में है कि उसकी ये फसल तो खत्म हो चुकी है। राज्य सरकार को केंद्र सरकार से पैसा लेना चाहिए। बाढ़ से हुए नुकसान की असेसमेंट बहुत जल्द सरकार को करनी चाहिए। ऐसा न हो पहले की तरह लोग चक्कर पे चक्कर काटते रहे, समय रहते उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। यमुनानगर से सुमित ओबराय, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।